हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड हमारे पास इंटीग्रेशन वाला मेथड होता है, तो इसमें हम करने वाले हैं चारों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। चारों इक्वेशंस को काइनेमेटिक्स इक्वेशंस थी हमारे पास। सिंपली हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था और वो एक डायरेक्शन में मीन्स वन डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा था। उन्हीं इक्वेशन से हमारे पास वही है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू टू एन माइनस वन। इस वीडियो में हम ओनली दो को ड्राइव करेंगे, दो इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टू को ड्राइव करेंगे। ओके, प्रीवियस कंडीशन हमारे पास वही है। इसमें क्या लिया था, उसमें भी हमने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, डीवी अपॉन में डी टी, डीवी अपॉन में डी टी। ओके, हमारे पास लास्ट वीडियो में क्या लिया था, वी माइनस यू अपॉन में टी, मीन्स वी के प्लेस पे यूज किया था हमने वी नॉट। बात एक ही है, यहाँ पे चेंज को डिनोट कर रहे हैं हम डीवी से और टाइम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी टी से। ओके, यहाँ पे करेंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन की वीडियो मैंने आपको बता दी थी, जूम वीडियो से भी बताई थी आपको। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, बाय इंटीग्रेशन इनिशियली हमारे पास टाइम क्या था, इनिशियली टाइम हमारे पास क्या है, जीरो। तो उस टाइम हमारे पास वेलोसिटी क्या है, u, आफ्टर सम टाइम t टाइम है हमारे पास और वेलोसिटी क्या है आपके पास, v। तो देखो टाइम हमारे पास a आपके पास यूनिफॉर्म है, तो टाइम को हमने ली लिमिट जीरो टू t और वेलोसिटी को इनिशियल टू फाइनल u टू v डी वी। ओके, तो मैंने बताया आपको dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, तो a t और यहाँ पे लगाएंगे हम लिमिट्स इज इक्वल टू डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी यू से वी। तो इसमें जो हमारे पास लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट्स को रखते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, ये हमारे पास अपर लिमिट कहलाता है और ये हमारे पास लोअर लिमिट होती है। ये हमारे पास लोअर लिमिट, ये हमारे पास अपर लिमिट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है कि जो ये हमारे पास लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट जीरो है, तो कैसे पुट करेंगे, ए इनटू में अपर लिमिट, टी के प्लेस पे टी पुट करना है, तो टी माइनस जीरो और यहां पे आएगा आपके पास अपर, वी के प्लेस पे वी माइनस में क्या करेंगे, यू। ओके, तो देखो इधर ये आया हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी के प्लेस पे यदि यहां पर हमारे पास टी होता तो v के प्लेस पे हमें t पुट करना पड़ता, ध्यान रखना है। तो ये आएगा आपके पास at इज इक्वल टू v माइनस यू। आपको लाना क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो v किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये इधर साइड आकर प्लस का u प्लस at, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकेंड को। इक्वेशन सेकेंड के लिए हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें हमें क्या लेना है, पिछले वाले में लिया हमने एक्सेलरेशन, इसमें लेंगे हम वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, dx अपॉन dt, मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां पे क्या लिखना है, v dt इज इक्वल टू dx। ओके, v dt इज इक्वल टू डी एक्स, वी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वी की वैल्यू आ गई हमारे पास यू प्लस ए टी इंटू में डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। वही लिमिट लेंगे हम, लिमिट लेंगे कहां से कहां तक, टाइम की लेंगे जीरो टू टी, और वेलोसिटी की क्या आएगी हमारे पास, यहां पर वेलोसिटी नहीं आएगी, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट हम जीरो मीन्स इनिशियल हमारे पास जीरो है जब टाइम आपका जीरो है, तो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास हम s ही यूज कर लेंगे। तो यहां पे हमने इंटीग्रेट किया इस तरह से, इंटीग्रेशन में सॉरी ये
ये आएगा आपके पास यहाँ पे इस तरह से। तो डी टी है, इसको अलग अलग लिख लो, यू डी टी जैसे डिफ्रेंशिएशन में करते थे, ए टी डी टी यहाँ पे इंटीग्रेशन, इधर साइड आपका डी एक्स, यहाँ पे जीरो टू एस, जीरो टू टी, जीरो टू टी, यू आपका टेकिंग आउटसाइड, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस में ए आपका क्या होगा बाहर, और ये आपकी टी की पावर कितनी है वन, तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन टू, और जीरो टू टी ये आ जाएगा एक्स एक्स और लिमिट जीरो टू एस। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो, तो वो जीरो हो जाएगी। बट मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, टी माइनस जीरो प्लस ए बाई टू बाहर ले लो, टी के प्लेस पे टी, टी स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू एस माइनस जीरो। ओके, तो यहां से आएगा आपका देखो यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और जो नेक्स्ट टू इक्वेशन है मैं उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।